टू माय चैनल, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। बारिश का मौसम आते ही हमारी टंकी में गंदगी जमा होना शुरू हो जाती, चाहे वो मिट्टी की गंदगी हो चाहे काई की गंदगी हो। तो बारिश के मौसम में ही हमें अपने टंकी की साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये वही टंकी का पानी है दोस्तों जो कि हमारे आरओ से जुड़ा रहता है, जो हमारे पीने के पानी एक्वागार्ड कह सकते हैं आप, उससे जिसका कनेक्शन रहता है। तो पीने का पानी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी से ही सबसे ज़्यादा बीमारी होने का खतरा होता है यदि पानी साफ़ नहीं होगा। तो आज मैं आपको घर पर ही पानी को हम किस तरह से साफ़ रखें और ख़ासकर टंकी की साफ़ सफाई कैसे करें, क्योंकि टंकी पर उतर कर साफ़ करना बहुत कठिन होता है। तो सबसे पहले एक तरीका बता रही हूँ। मैंने कॉटन का कपड़ा लिया जिसे चार बार मैंने फोल्ड करके अच्छा मोटा कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी दोस्तों, मेरी इस टंकी में जहाँ से पानी आता है, इस टंकी के अंदर जहाँ से पानी भरता है, उस पाइप के मुँह पर मैं इस मोटे कपड़े को लगाकर बहुत ही टाइट बांध दूंगी, जिससे कि इस पानी में जब भी नीचे से ज़मीन के अंदर से जो पानी आता है उस पानी के साथ मिट्टी ना आने पाए। तो मैंने टंकी का ढक्कन खोल लिया है और टंकी के अंदर जो पाइप लगा हुआ है दोस्तों, मोटा वाला पाइप लगा है जिससे इस टंकी के अंदर पानी स्टोर होता है, पानी आता है, वहाँ पर मैं स्टूल पर खड़े होकर इस टंकी के अंदर के पाइप पर इस मोटे कॉटन के कपड़े को लपेट दूंगी। इससे क्या होगा दोस्तों, कॉटन का कपड़ा टंकी के मुंह पर रहेगा तो जो भी पानी आएगा यदि उसमें मिट्टी होगी तो वो कपड़े पर ही आ जाएगी और बिल्कुल भी पानी में मिट्टी मिक्स होने नहीं पाएगी। तो एक तरीका तो ये है दोस्तों कि हम अपने टंकी के पानी को बिल्कुल ही स्वच्छ रख सकते हैं, वो भी बिना मिट्टी के। तो बस मैं यहाँ पर स्टूल पे खड़ी हो गई हूँ और इस कपड़े को चार बार मोड़ लिया है। दोस्तों, आप चाहें तो महीने में एक बार इस कपड़े को धो लें या कपड़े को बदल सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कपड़ा ख़राब हो गया है तो बस आप इस कपड़े को बदल लें। तो मैंने ऐसे पाइप के मुँह में कपड़ा ले लिया है और इस कपड़े को मैंने चार बार मोड़ा है, आपको फिर से निकाल कर दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप मोड़ के रख दें तो जो भी इस टंकी में जब पानी आएगा दोस्तों, तो बिल्कुल छन कर आएगा, फ़िल्टर होकर ही पानी आएगा। और सूती कपड़ा लिया है तो पानी को फ़िल्टर होने में आसानी होगी और कपड़े को भी दो से तीन बार मैंने मोटा फोल्ड कर लिया है ताकि अच्छी तरह से छन कर आए पानी इसके अंदर और जो भी पानी इसके अंदर जाए वो बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो कुछ छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखकर अपने टंकी के पानी को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं इस टंकी का आधा से अधिक पानी हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, तो कम पानी में ही हम इसकी सफाई अच्छे से कर पाएंगे। यदि टंकी में पूरा पानी भरा होगा तब तो इसकी सफाई करना बड़ा कठिन रहेगा, और यदि आप टंकी के पानी को खाली करना चाहते हैं तो आप साइफन मेथड से खाली कर सकते हैं। एक प्लास्टिक का पाइप टंकी के अंदर डालें और उसका दूसरा हिस्सा ज़मीन में रखें। तो अभी तो मैं ये जो पाइप है जिससे मेरे यहाँ पानी जाता है इस टंकी में, उसके मुंह के बाहर और अंदर दोनों तरफ से मैंने इस तरह से कॉटन का कपड़ा लगा दिया ताकि टंकी के अंदर जो पानी जाए वो बिल्कुल ही छन कर जाए। तो ये छोटी छोटी सी सावधानियां हैं जिससे हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे पानी जो है टंकी का वो साफ़ सुथरा रहे। साथ ही जब मैंने टंकी के पानी को हटा दिया है, पूरा ख़त्म कर दिया है दोस्तों, और सफाई के लिए ले रही हूँ यहाँ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही अच्छी सफाई करता है, पानी के अंदर जो भी वायरस होते हैं, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, उन सबको ये ख़त्म कर देता है। साथ ही यदि हमारी टंकी में काई लग गई है तो उसे भी वो बहुत तेज़ी से हटा देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करने के लिए आपको एक लीटर पानी लेना है, उसमें डालना है 5 ग्राम ब्लीच, साथ ही आप उसमें 1/4 चम्मच मिक्स करें हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप दोनों को मिक्स करें और टंकी में डाल दें। इस पानी को एक मग पानी में आपको इसे डालना है और 15 मिनट के लिए आप टंकी को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे टंकी के अंदर जमी हुई जो मिट्टी होगी या काई होगी वो बहुत ही आसानी से अपनी जगह को छोड़ देगी। उसके बाद आप चाहें तो एक लकड़ी का डंडा या डंडी कोई सी लेकर जिसमें कपड़ा लगाकर आप टंकी को अंदर से साफ कर सकते हैं टंकी में बिना उतरे। तो बस मैंने भी यहाँ पर एक मग पानी लिया है और इसमें आधी छोटी चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा हाइड्रोजन परऑक्साइड।
और इस मिक्सर को टंकी में डालकर छोड़ दूंगी, क्योंकि टंकी का पानी मैंने पूरा खाली कर लिया है। खाली करने के बाद ही हमें ये इसे डालना है, और उसके बाद आप लकड़ी के स्टिक डालकर कपड़ा लपेटकर इसे हल्का सा रगड़ दें, आप देखेंगे सब काई निकल जाएगी। फिर इसे आप वॉश कर लें तो टंकी के अंदर जो भी जम्स होंगे, जो भी वायरस होंगे, सब कुछ बहुत आसानी से हट जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से यदि हम देखभाल करें तो हमारा टंकी का पानी बहुत ही शुद्ध रह सकता है और हमारी जो टंकी है बिल्कुल साफ़ सुथरी रह सकती है। और यदि पानी साफ होगा तो हम भी बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है घर पर पानी की टंकी को साफ़ करने का और पानी में मिट्टी को मिक्स होने से बचाने का। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।